हेलो, आज है मेरा बर्थडे और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले खीर बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप गोविंद भोग चावल। इसको अच्छे से मसल के पानी से धो लेंगे। ये खीर हम थोड़ा कम मीठा बनाएंगे, मुझे ऐसे ही पसंद। पानी हटा के उसको रख देंगे साइड में। फिर हम ये यहाँ पर गुड़ काट रहे हैं, बहुत हार्ड था ये, तो एक स्मॉल बोल गुड़ ऐसे स्क्रेप करके हमने निकाल लिया है। अभी 1 लीटर दूध है इसमें, 4-5 इलायची, छोटी इलायची डाल के हमने जो चावल भिगा धो के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और गुड़ भी डाल देंगे एक साथ। फिर इसको पकने देंगे। उसके बाद हमने डाल दिया 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा गाजर भी ग्रेट करके मैंने डाला था। ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही डाला था, मुझे अच्छा लगा। इसके बाद स्टीम्ड प्रॉन्स बनाने के लिए हम ले लेंगे काला सरसों और सफ़ेद सरसों के दाने और थोड़ा पोस्तो, हम जो बोलते हैं पॉपी सीड्स, और 2 मिर्ची और 1/2 इंच अदरक। इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। और वही पेस्ट अभी हम ये धुले हुए प्रॉन्स हैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा रखा था, अगर आप चाहे तो पानी उतना ना भी रखे तो चलेगा। इसको अभी अच्छे से प्रॉन्स के साथ मिक्स कर लेना है, अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए क्योंकि ये स्टीम में बनेगा। इसके बाद हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे और 2 मिर्ची रख देंगे और इसको टिफिन बॉक्स को बंद कर लेंगे। फिर एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के ये टिफिन बॉक्स उसके अंदर डाल देंगे। फिर इसको 1 विसल तक पकाना है। और साइड में हमारा खीर गाढ़ा हो चुका है। अब हम कटे हुए आमंड्स डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा और थिन कंसिस्टेंसी अगर आपको चाहिए तो आप और पानी डाल सकते हो। इसका 1 सीटी हो गया, इसको अभी रख देंगे वेपर निकलने के लिए। ये हमारा मैरिनेटेड चिकन है। दही, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का तेल और नमक डाल के मैरिनेट करके रखा था 1 रात पहले ही। फिर आलू और प्याज काट लेंगे, फिर आलू को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के। आलू जब फ्राई हो जाएगा उसको अलग से एक बोल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा ढक के पकाना ताकि 70-80% पक जाए आलू। फिर थोड़ा सा और तेल लेके उसमें थोड़ा घी डाल देंगे 1/2 चम्मच और फिर ये गरम मसाला डाल देंगे, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता डाल के। उसके बाद इसमें कटी हुई प्याज, 1 प्याज डाला है मैंने, इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो मैरिनेटेड चिकन है वो इसमें डाल देंगे। इसको डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेना है। इसको अभी ढक के रख देंगे तो ये पक जाएगा। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमको बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ करना है। उसके बाद हम इसको ढक देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा के हम आलू डाल देंगे और उसको वापस से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा अभी नमक भी डाल देंगे और वापस मिक्स कर लेंगे। थोड़ा चीनी भी डाला है और थोड़ा कसूरी मेथी, ये सब डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तेल सेपरेट हो गया तो इसको हम मिला लेंगे। हाँ, अभी पक गया है, आलू भी पक गया है अच्छे से, तो ये डिश रेडी है। अभी हमने जो वेपर में रख दिया था स्टीम प्रॉन्स को, उसको अभी निकालेंगे और देखेंगे अभी ये कंसिस्टेंसी ऐसा है।
ये स्टीम्ड मस्टर्ड प्रॉन्स और चिकन कोशा विद आलू और हमारा खीर, ये सब बन के तैयार हो गया है। अभी मैं खाऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू मी और आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। बाय बाय।